हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल उड़ता पैसा। दोस्तों, आज जो हम टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं, आज के मार्केट सिनेरियो के हिसाब से बहुत ही इन है, बहुत ही ज्यादा चर्चा में है। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों, बेस्ट लिक्विड फंड फॉर 2019। दोस्तों, मार्केट सिचुएशन को देखते हुए जिस हिसाब से मार्केट ने एक बेरिश मूव आया है, मार्केट 4-5 हज़ार पॉइंट नेगेटिव गई है, उस हिसाब से देखते हुए आज की डेट में डेट इंस्ट्रूमेंट जो है वो बहुत ही तेजी से पॉपुलर हो रहे हैं दोबारा से। कुछ टाइम पहले ऐसा था कि लोगों ने इक्विटी में पैसा अपना ट्रांसफर करना शुरू कर दिया था, बट इस ट्रेंड के कारण दोबारा से ये फंड जो है वो पॉपुलर हो रहे हैं डेट इंस्ट्रूमेंट। तो चलिए दोस्तों, आज के टॉपिक में हम आपको बताएंगे डेट इंस्ट्रूमेंट बेसिकली होते क्या है, इनका थोड़ा सा एक ब्रीफ बैकग्राउंड देंगे, और जिन फंड्स के बारे में हम बात करने लगे हैं वो फंड्स कई बार कंफ्यूजन में हम अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स या शॉर्ट टर्म फंड में हम समझ नहीं पाते हैं, तो हम आपको थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे। और एंड में दोस्तों, हम आपको इस इंडस्ट्री के 4 ऐसे फंड बताएंगे जिनमें कि आप अगर अपना पैसा पार्क करना चाहते हैं लमसम में, तो आप ये पैसा पार्क कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा ये वीडियो, आज का वीडियो इंडस्ट्रियलिस्ट जिनके पास स्पेयर फंड होता है उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा, बिकॉज बैंक अकाउंट में पड़े हुए उनको ये इतना इंटरेस्ट नहीं मिलता है जितना कि ये पैसा अगर ये यहाँ पे पार्क कर देते हैं इन लिक्विड फंड्स में। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे पहले बेस्ट लिक्विड फंड में लिक्विड फंड होते क्या है। दोस्तों, लिक्विड फंड इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस हुए थे बिकॉज म्यूचुअल फंड में हम जब भी पैसा लगाते हैं वो हमारे पास एक एग्जिट लोड इनवाइट करते हैं, लेकिन जब हम लिक्विड फंड्स की बात करते हैं तो लिक्विड फंड्स हमारे को किसी भी तरह का एग्जिट लोड इनवाइट नहीं करते हैं। हम इनमें कभी भी एंटर कर सकते हैं और कभी भी इनसे एग्जिट कर सकते हैं। तो स्पेशली जो लोगों के पास करंट अकाउंट है, जो एंटरप्रेन्योर हैं, जो अपना बिजनेस करते हैं, उनके पास काफी वक्त तक स्पेयर फंड्स रहता है जो कि उनके करंट अकाउंट में ही रहता है। अगर हम एफडी भी बुक करते हैं तो एफडी भी हमें 7 दिन से पहले कोई भी इंटरेस्ट नहीं देती है, और 7 दिन के बाद भी वो इंटरेस्ट एक्चुअल में 6, 6.5 या 7% नहीं होता है, वो 1% या 2% होता है, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा बैंक आप चूज कर रहे हैं। दोस्तों, इसलिए हमें लिक्विड फंड में एज कंपेयर टू एफडी जाना ज्यादा फायदेमंद होता है। यहाँ पे हम 1-2 दिन के लिए भी अपना फंड पार्क कर सकते हैं, और जिन कंपनीज का कॉर्पस एक्स्ट्रा फंड का बहुत ही ज्यादा है उनके लिए ये बहुत ही इफेक्टिव साबित होता है। दूसरी तरफ जो हमारा रिटेल इन्वेस्टर है वो लिक्विड फंड को एज ए फंड पार्किंग के लिए यूज कर सकता है, और उसके बाद सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान जिन्हें कि हम एसटीपी कहते हैं, एसटीपी के थ्रू अपने फंड्स को इक्विटी में ले जा सकता है। चलिए दोस्तों, अब इसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। जब हम लिक्विड फंड्स की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो हमारे पास बहुत बार ये सवाल आता है कि क्या इन फंड्स में गारंटी होती है हमारे अमाउंट की। नहीं दोस्तों, इन फंड्स में कोई भी गारंटी नहीं होती है, ये हमें किसी भी तरह की गारंटी नहीं देते हैं कि हमारा फंड नेगेटिव नहीं जाएगा। हमारा फंड नेगेटिव जा भी सकता है डिपेंडिंग अपॉन हमारा फंड सिलेक्शन और डिपेंडिंग अपॉन मार्केट सिनेरियो, लेकिन इसी में काम आता है हमारा थोड़ा सा लिक्विड फंड्स के बारे में नॉलेज। दोस्तों, लिक्विड फंड इंडस्ट्री में 2 टाइप के आते हैं, पहला है लिक्विड फंड और दूसरा है अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स। दोस्तों, इन दोनों में बहुत ही मेजर डिफरेंस है अगर ध्यान में देखा जाए तो। पहली बात हम बात करते हैं लिक्विड फंड की। जब हम लिक्विड फंड की बात करते हैं तो इनके अंदर जो पेपर खरीदा जाता है, जहां पैसा लगाया जाता है, उनकी मैच्योरिटी मैक्सिमम 90-91 डेज तक की आती है, इससे ज्यादा नहीं होती है। इस करके जब भी मार्केट के अंदर कोई अप्स या डाउन आते हैं, इनकी रिटर्न के ऊपर ज्यादा फर्क नहीं आता है। और जहां हम बात करते हैं अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड की, वहां पे इनकी मैच्योरिटी 90 दिन से ऊपर होती है, 91 डेज से ऊपर की होती है, जिसमें कि हम ये चीज देख सकते हैं कि इनकी मैच्योरिटी के ऊपर मार्केट के अप एंड डाउन का फर्क आता है। तो दोस्तों, ये पहला डिफरेंस है हमारे लिक्विड और
अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स में, जिनसे कि इनके रेट ऑफ इंटरेस्ट में काफी फर्क आता है और हम इनमें इन्वेस्टमेंट के वक्त ये सोच सकते हैं कि किसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। चलिए दोस्तों, दूसरी बात करते हैं इसमें रिस्क की। तो जब हम लिक्विड फंड की बात करते हैं दोस्तों, तो इनके अंदर रिस्क बहुत ही कम होता है। वो क्यों? क्योंकि इनकी मैच्योरिटी जो है वो 90 से 91 दिन के अंदर अंदर होती है। इस करके इनके अंदर रिस्क ऑफ रिड्यूसिंग और आपके कॉर्पस को कम होने का जो फैक्टर है वो बहुत ही कम हो जाता है। वहीं अगर हम बात करते हैं अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स की, वहां पे क्योंकि हमारे बॉन्ड पेपर जो हैं वो 90-91 दिन से ऊपर के होते हैं, इस करके उनमें थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है। जब हम थोड़ा रिस्क कह रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा मतलब थोड़ा ही रिस्क है। हम ये नहीं कह सकते कि ये इक्विटी के बराबर रिस्क पे आ जाता है, बट स्टिल रिस्क होता है। तीसरी बात जिसकी हम करने जा रहे हैं दोस्तों, वो है यहाँ पे एक्सपेंस यानी कि एग्जिट लोड। तो दोस्तों जब हम बात कर रहे हैं लिक्विड फंड की, लिक्विड फंड्स में हमारा कोई भी एग्जिट लोड नहीं होता है, इस करके इनमें कभी भी एंट्री और एग्जिट किया जा सकता है। जब हम बात करते हैं अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड की, तो डिपेंडिंग अपॉन फंड, ये जरूरी नहीं है कि हर किसी फंड में एग्जिट लोड हो, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन किसी किसी फंड में एग्जिट लोड भी देखा जा सकता है। इसी एग्जिट लोड के कारण अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड जो है वो हमारे को थोड़ी सी रिटर्न ज्यादा दे पाते हैं, 2-3% का वेरिएशन हम देख सकते हैं इनमें, बिकॉज हमारे फंड मैनेजर को ये चीज पता होती है कि अगर उसके पास ये फंड्स हैं तो कस्टमर एकदम से सारा फंड नहीं निकालेगा मार्केट के टम्बल डाउन होते ही। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इनके एडवांटेजेस की। तो जब हम इनके एडवांटेज की बात करते हैं, तो जो हमारे शॉर्ट टर्म फंड है या लिक्विड फंड है हमारे पास, उनमें लिक्विडिटी बेटर होती है क्योंकि हम कभी भी उनमें पैसा डाल सकते हैं और पैसा निकाल भी सकते हैं। वहीं अगर हम दूसरी साइड बात करें अल्ट्रा लिक्विड फंड्स की, वो या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स की, वहां पे हमारे पास रिटर्न थोड़ी सी बेटर होती है एज कंपेयर टू हमारे लिक्विड फंड्स, बिकॉज उनके अंदर कई कई बार एग्जिट लोड देखा जाता है और हमारे फंड मैनेजर के पास ज्यादा टाइम होता है अपने पैसे को मैनेज करने का। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और आज के सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया में आते हैं, जहां पे कि हम आपसे ये बताएंगे कि इस इंडस्ट्री में आने वाले टाइम में कौन से 4 फंड्स ऐसे हैं जो कि सबसे बेटर है बाकी फंड्स के कंपैरिजन में। तो दोस्तों जो हमारे फंड्स आज की डेट में हमने सिलेक्ट किए हैं वो कुछ फंड हैं, उनमें से सबसे पहला फंड है आदित्य बिरला सनलाइफ लिक्विड फंड। हमारा दूसरा फंड इस इंडस्ट्री का है HDFC लिक्विड फंड, और हमारा तीसरा फंड जो है वो है ICICI प्रूडेंशियल लिक्विड फंड, और चौथा फंड है हमारा कोटक लिक्विड फंड। तो दोस्तों ये जो कुछ हमारे फंड्स हैं, इनके बारे में भी अभी हम डिटेल में और बात करेंगे। ये कुछ फंड्स हैं जो इंडस्ट्री में अच्छे रैंक में है, रेटिंग भी अच्छी है, कॉर्पस भी अच्छा है, और साथ ही साथ इनका रिटर्न भी अच्छा आ रहा है। तो जब भी आपको ये लगे कि आपके पास कुछ स्पेयर फंड है लेकिन मार्केट बहुत ही वॉलेटाइल है, आप इन फंड्स में अपना स्पेयर फंड पार्क कर सकते हैं। चलिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं आदित्य बिरला लिक्विड फंड की। दोस्तों जो हमारा आदित्य बिरला लिक्विड फंड है, ये तकरीबन 50,000 करोड़ का फंड है और इसकी नैव 2000 के करीब करीब है, और इसी वजह से इस फंड का जो कॉर्पस है वो 50,000 करोड़ हो चुका हुआ है। और साथ ही साथ इसकी रिटर्न की जब हम बात करते हैं, तो एक साल तक की रिटर्न इसकी 7.20 तक जा चुकी है, जो कि एक बहुत ही हेल्दी रिटर्न है एज कंपेयर टू इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। और दोस्तों जब हम इसमें मैच्योरिटी की बात करते हैं, ये फंड इतनी अच्छी मैच्योरिटी क्यों दे पा रहा है, क्योंकि जब हम इसकी मैच्योरिटी की बात करते हैं तो इसमें एवरेज मैच्योरिटी जो है वो 40 दिन की है, यानी कि इसमें जो पेपर खरीदे गए हैं जहां पे हमारे फंड मैनेजर इसमें पैसा लगा रहे हैं वो 40 दिन की मैच्योरिटी का है।
तो मार्केट का इफेक्ट बहुत ही कम हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले फंड की तरफ। हमारा अगला फंड है HDFC लिक्विड फंड। HDFC लिक्विड फंड का कॉर्पस तकरीबन 50,000 करोड़ का है और इसकी आज की डेट की नैव 3,500 के करीब की है। दोस्तों, जो पेपर इस फंड में चूज किए गए हैं वो तकरीबन 38 डेज के हैं और इसकी भी रिटर्न हमारी 7% के करीब की आ रही है, जो कि एक बहुत अच्छी रिटर्न है मार्केट स्टैंडर्ड के हिसाब से। हम इसे भी देख सकते हैं अपने फंड्स पार्क करने के लिए जो हमारे पास एक्स्ट्रा होते हैं। चलिए दोस्तों, अगले फंड की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला फंड है ICICI प्रूडेंशियल लिक्विड फंड, जिसका की कॉर्पस तकरीबन 47,000 करोड़ का है और इसकी नैव 267 है। दोस्तों, ये फंड बहुत ही तेजी से मार्केट में आगे बढ़ रहा है। कॉर्पस बहुत अच्छा हो चुका है, नैव भी कम है, इसमें पैसा लगाना बहुत ही सही डिसीजन रहेगा और रिटर्न भी 7 से 7.20% के बीच में आ रही है। दोस्तों, हमारा इसी टॉपिक का जो सबसे आखिरी फंड है वो है कोटक लिक्विड फंड, जिसका की कॉर्पस 27,000 करोड़ का है और साथ ही में इसकी नैव 3600 की है। दोस्तों, इस नैव का भी जो इसमें बॉन्ड पेपर यूज किए गए हैं वो 26 दिन की मेच्योरिटी के हैं, यानी कि अगर मार्केट में अप्स एंड डाउन्स होते हैं तो उसका इस पे इम्पैक्ट बहुत ही कम आता है। तो दोस्तों, ये थे हमारे इंडस्ट्री के कुछ ऐसे लिक्विड फंड जो कि हम देख सकते हैं अपना एक्स्ट्रा पैसा पार्क करने के लिए जबकि हमारी मार्केट वॉलेटाइल हो और हमें लगता हो कि अभी मार्केट यहां से और नेगेटिव जा सकती है। इन दैट पीरियड ऑफ टाइम हम अपनी रिटर्न्स को बराबर मेंटेन रखने के लिए हम इन फंड्स का यूज कर सकते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।